हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं बिकी कुमार और बिगनर स्ट्राइक में आप सभी का स्वागत है। आज बसंत पंचमी के मौके पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दो सारी ग्रामर की हम एक बहुत ही खास टॉपिक लेके आए हैं, जो कि है हमारा नोटिस। दोस्त, आज नोटिस के बारे में हम समझेंगे, जो कि कोई हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे CBSE ले लीजिए या कोई अदर एग्जाम ले लीजिए। दोस्त, आज हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, नोटिस क्या होता है, कैसे लिखा जाएगा। बहुत बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन बहुत ईजी है। आइए देखते हैं क्या है नोटिस। नोटिस का मतलब क्या होता है? नोटिस का मतलब होता है सूचना। सूचना किस बात पर है? सूचना स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर कहीं पर भी सूचना मिल जाता है आपको। तो क्या होता है, कैसे लिखा जाएगा, या फिर कैसे इसको देखेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले है नेम ऑफ द इशू अथॉरिटी प्लेस, मतलब कि जो नोटिस है वह कहाँ के लिए है, मतलब कि कॉलेज का है, या फिर कहीं मान लीजिए बैंक का है, या फिर स्कूल का है, किस कहाँ से है। तो यहाँ पर उस चीज़ का नाम लिख देंगे। अगर स्कूल का हो तो मान लीजिए DPS है, तो DPS का नाम लिख देंगे, ठीक है। देन उसके लगाएंगे नोटिस। यहाँ पर नोटिस लिखेंगे, नोटिस हम बोल्ड में लिखेंगे कि कोई भी देखे और डायरेक्ट उसका ध्यान चले जाए, ठीक है। यहाँ पर किसी भी लेटर, आप इसको ब्लॉक लेटर लिखिए नोटिस को। देन उसके बाद आते हैं डेट, कि नोटिस है वो किस डेट को इशू हुआ है। तो जैसे आज सरस्वती पूजा है, आज का हम डेट डाल दिए, तो जिस दिन इशू होगा वहाँ पर उसका डेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद आते हैं अपना यहाँ पर हेडिंग और टाइटल, मतलब कि कोई भी नोटिस लिखेंगे तो उसका हम एक हेडिंग डालेंगे या फिर टाइटल डालेंगे। जैसे आज सरस्वती पूजा है, आज मान लेते हैं कि मेरे कोचिंग में क्या है, तो सेलिब्रेशन है, आज सरस्वती माता की स्थापना हुआ है, और उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ उत्सव उत्सव मना रहे हैं, तो यहाँ पर हम उसका हेडिंग डाल देंगे। ने उसके बाद आएंगे यहाँ पर बॉडी। बॉडी बॉडी क्या होता है, मतलब कि हम उसके बारे में डालेंगे, ठीक। उसके बारे में लिखेंगे कि क्या है, कितने बजे से फंक्शन होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, तो वो हमारे बॉडी में जाएगा। दोस्त, बॉडी क्या होता है? तो बॉडी में क्या होता है, हम नोटिस किस बारे में दे रहे हैं वह चीज़ इसमें लिखेंगे। आइए इसके जानकारी लेते हैं। सबसे पहले इसमें लिखने से पहले उसमें 5 W हमको याद रखना होगा। 5 W क्या होता है? सबसे पहले व्हाट। व्हाट का मतलब होता है कि जो नोटिस है वो किस बारे में है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं सरस्वती पूजा है, तो सरस्वती पूजा के बारे में उसका हो जाएगा। नेक्स्ट वेयर, जो कि नोटिस है वो कहाँ हो रहा है, ठीक है, तो जगह का नाम। उसके बाद आ जाइए वेन। वेन का मतलब होता है कब, जो फंक्शन हो रहा है वो कब हो रहा है, मतलब उसका डेट डाल देंगे या फिर टाइमिंग डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं हो। हु का मतलब कौन, जो कौन करा रहा है। उसके बाद ये होम, वो किसके लिए है, मतलब उसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं। तो मान लो सरस्वती पूजा, तो उसमें पेरेंट्स, बच्चे, टीचर्स यही होंगे, ठीक है दोस्त। देन उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर है डजंट इंक्लूड ग्रामेटिकल मिस्टेक। आप नोटिस लिख रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट आते हैं 40 to 50 words। देखिए नोटिस लिखा जाएगा तो ज़्यादा हम लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, उसमें लिखा जाएगा 40 to 50 words में ही हमको क्या करना है, नोटिस को लिखना है। जब हम 40 to 50 words में लिखेंगे तो हम कोशिश करेंगे उसमें क्या हो, मेरा ग्रामेटिकल मिस्टेक ना के बराबर हो, ठीक है। देन उसके बाद है फ्री टू ऐड एनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। मान लेते हैं नोटिस में हम कोई उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन, जरूरी इन्फॉर्मेशन हो नोटिस डालना चाहे तो अपने डाल सकते हैं, लेकिन वैसे आपको क्वेश्चन देगा उसी में से लिखना है, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ कुछ हम डाल सकते हैं उसमें, कुछ मस्ट है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आई इस साइड, यहाँ पर सिग्नेचर, नेम और डिजिग्नेशन है। क्या होता है, तो सिग्नेचर जो हो, नाम हो, और इस पर तीन को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अपना नाम मत लिख दीजिएगा, वहाँ पर क्वेश्चन में जिसका नाम होगा उसी का नाम होगा, ठीक है, सिग्नेचर उसी का होगा। देन यहाँ पर डिजिग्नेशन का मतलब है पोस्ट, मतलब पद। देखिए ये तीनों जो है यह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा गया। यहाँ पर जो होगा क्वेश्चन में दिया होगा कि मान लेते हैं राम है तो रामकांत लिखेंगे, जो पद है पद का मतलब जानते हो, या फिर कोई भी पद जैसे प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, जिसका भी हो, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। तो बस यही है हमारा नोटिस, इसमें कोई दिक्कत है तो आइए एक बार और इसको हम करते हैं रिकॉर्ड। इसमें क्या करेंगे, पल प्लेस का नाम लिखेंगे, देन नोटिस ब्लॉक लेटर में लिखेंगे, उसके बाद डेट, हेडिंग। हेडिंग का मतलब जो चीज़ का लिखा जा रहा है उसका हम टॉपिक डालें, जैसे हम लिख देंगे सरस्वती पूजा, या फिर मान लेते हैं हम कोई कोई भी सेलिब्रेट हो रहा है उसको हम लिख देंगे, ब्लॉक में लिखेंगे तो डायरेक्ट ध्यान उस पर जाएगा। उसके बाद में हम जो यहाँ पर हेडिंग और टाइटल दे रहे हैं उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा
उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या बात है जो यहाँ पर हम समझ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी देख लिए कि जो आपको क्वेश्चन देगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन या फिर नियम हम देंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेके आएंगे और उसको देखेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।